हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी घर पर कैसे बनाएं। ये खाने में जितनी टेस्टी होती है बनाने में उतनी ही आसान होती है, बस इसको रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक उड़द की दाल। ये मैंने साबुत ब्लैक उड़द ली है, थोड़े से मैंने राजमा जिनको मैंने रात को ही भिगो दिया था, और चने की दाल। तो अब आ गया मेहनत वाला काम। एक बाउल में उड़द की दाल को डाल देंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर, और 1 चम्मच सॉल्ट। अब हमने इस दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट तक हाथों से मैश करना है। आपने इसको रगड़ना है ताकि इसके ऊपर जो पॉलिश होता है वो सारा निकल जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसको वॉश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा पॉलिश होता है। तो ये देखिए पानी का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, और जो हमारी दाल है वो थोड़ी रेड हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए राजमा और चने की दाल। अब कुछ लोग दाल मखनी में चने की दाल ऐड नहीं करते हैं, वैसे इसमें चने की दाल भी जाती है। इनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल मखनी में अगर आपने अच्छा टेस्ट और कलर लाना है तो इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। ये देखिए हमारी जो दाल है वो अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब मैं इसको कुकर में डाल दूँगा। अगर आपकी दाल में थोड़ा बहुत डार्कपन रह गया होगा तो हम इस दाल को एक बॉईल देंगे, और इसके बाद इसको एक बार स्टेन कर लेंगे। देखिए हमारी जो दाल है कितनी काली हो गई है। अब हम इसको एक बार स्टेन कर लेंगे, फिर इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। जितनी हमने दाल ली है उससे डबल पानी डालें। थोड़ा सा डालेंगे चीला और लहसुन, 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसके बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे। और दाल में जैसे ही एक सीटी आती है दाल की फ्लेम कम कर दें और इसको 30 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएं। तो 30 मिनट के बाद देखिए आपकी जो दाल है वो आपको ऐसी गली हुई मिलेगी। अब इसको आप ढक के साइड में रख दीजिए। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, टमाटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और देसी घी। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, सबसे पहले उसमें डालेंगे देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट को हमने अच्छे से पका लेना है, बस आपका पेस्ट यहाँ पर जलना नहीं चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश टमाटो प्यूरी, आप टीन वाली टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं, बट ये मैंने होममेड बनाई है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट कम ही डालें क्योंकि हमने दाल में पहले भी सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो प्यूरी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि अपना घी रिलीज ना करते। ये देखिए घी प्यूरी ने छोड़ दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल मखनी। अभी हमारा एक और मेहनत वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। हमने इस दाल को कम से कम 12 से 15 मिनट तक लैडर की सहायता से घोटना है, जब तक इसमें पड़े हुए राजमा बिल्कुल अच्छी तरह से मैश ना हो जाएं। तो ये देखिए आप लैडर की सहायता से ऐसे इसको पहले मैश कर लें, और इसको कंटिन्यू लैडर से घोटते रहें। तब तक घोटते रहें जब तक इसमें पड़े हुए राजमा अच्छी तरह से मैश ना हो जाएं। इसमें एक भी राजमा दिखना नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसमें कंटिन्यू लैडर इसमें चलाते ही रहें। और एक बात और, जब भी आप दाल को बॉईल करें तो साथ साथ में इसमें तड़का लगाएं, नहीं तो जो आपकी दाल एक बार ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद घोटी नहीं जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे काफ़ी सारा वाइट बटर। अगर आपके पास वाइट बटर ना हो तो आप सॉल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। और ये गई रोस्टेड कसूरी मेथी, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आ रहा है ना मुँह में पानी, क्या ज़बरदस्त लग रही है हमारी दाल मखनी देखने में। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर ताकि प्यूरी का थोड़ा खट्टापन और दूर हो जाए। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम ना हो तो आप यहाँ पे दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, उसको अच्छे से फेंटिए और इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया इसमें। अभी तो हम इसके ऊपर एक और सीक्रेट तड़का लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दें, इतनी थिकनेस काफ़ी है दाल में। तो एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी जैसे ही गर्म हो जाता है तो साइड में थोड़ी सी डालें कसूरी मेथी, थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर,
और इसको ऐसे मिक्स कर लें और दाल के ऊपर लगा देंगे फटाफट देसी घी का छोंक और इसको कर दीजिए दाल के साथ मिक्स। तो ये देखिए, ये बन गई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी जो मैंने घर में बनाई है। तो आप भी बना सकते हैं ऐसी टेस्टी दाल मखनी। देखिए गार्निशिंग करेंगे थोड़ा सा बटर और क्रीम के साथ। तो फ्रेंड्स, पंजाबी दाल मखनी बनाने के लिए 1 किलो उड़द की दाल, 100 ग्राम राजमा और 100 ग्राम चने की दाल और उसमें पूरा 1 टीन टमाटो प्यूरी का जाता है। तो ये देखिए, हमने इसमें डिज़ाइन भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।